नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त योगेश वैष्णव। कच्छ प्लस और फिल्म के इस सीरीज में आज हम आप पहुंचे हैं माधापर गांव में, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है वीरांगना स्मारक। ये उन वीरांगना बहनों की स्मृति में बनवाया गया है जिन्होंने सन 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी हवाई जहाज भुज एयरबेस पर हमले शुरू कर दिए और उस हमले में भुज एयरपोर्ट के रनवे को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। रनवे पर जगह जगह बड़े से गड्ढे बन गए थे। ऐसी स्थिति में भुज से विमान उड़ाना नामुमकिन था और राष्ट्र पर आई इस आफत से तुरंत निपटना भी जरूरी था। ऐसे हालात में भुज एयरफोर्स के उस समय के विंग कमांडर विजय कर्णी परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मदद के लिए इस माधापर गांव पहुंचे और यहाँ की कणबी लेवा पटेल बहनों ने राष्ट्र सेवा का कार्य अपने कंधों पर लिया। तकरीबन 300 जितनी वीरांगना बहनें भुज एयरपोर्ट पहुंची। लगातार वार्निंग सायरन के बीच अपने जान की परवाह किए बगैर उन बहनों ने अपना काम जारी रखा और रनवे में पड़े सभी गड्ढों को रिपेयर किया। और इसी शौर्य गाथा पर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बन रही है जिसका नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जिसमें मुख्य कलाकार अजय देवगन, संजय दत्त और सोनाक्षी सिन्हा नजर आएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि इस माधापर गांव में किस फिल्म की शूटिंग हुई है और कहां हुई है। चलिए देखते हैं। तो वीरांगना स्मारक से 5 मिनट की दूरी पर है ये हमारा लोकेशन और यहाँ शूट हुआ है सुपर हिट भोजपुरी फिल्म जिगर का एक सीन। तो आइए देखते हैं कि किस किस फ्रेम से यहाँ पर शूट हुआ है। चलिए, इसी जगह से हीरोइन अंजना सिंह की एंट्री होती है, वो भागते हुए आती है और इसी जगह, और ये जो आप देख रहे हैं सामने ये घर के नीचे बिल्कुल यहाँ पर ही रिक्शा स्टैंड बनाया गया रहता है और निरुआ की गाड़ी आके यहाँ खड़ी रहती है। ये देखिए यहाँ से, तो देख लीजिए फ्रेम में यही था, यहाँ से लिया गया था शायद, एक ये एंगल था। और ये देखिए मंदिर यहीं पर खड़े रहते हैं और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसी जगह रिक्शा खड़ी रहती है और हीरोइन अंजना सिंह जहाँ पर निरुआ बैठा रहता है वहीं पर उसी रिक्शा में बैठ जाती है, तो यहीं पर खड़ी रहती है रिक्शा। ये देखिए यही एंगल था और ये मंदिर भी दिखता है एक फ्रेम में, देख लीजिए नीचे स्क्रीनशॉट पर। और एक फ्रेम ये थी, ये देखिए ये सामने जो आपको दिख रहा है पटेलवाड़ी लिखा हुआ है वो भी एक फ्रेम में दिखता है, तो वो शायद यही फ्रेम थी। ये देखिए तो एक फ्रेम ये हो गई। तो फिल्म का ये पूरा सीन इतने में ही शूट किया गया था इसी जगह, तो इसी जगह सब रिक्शा खड़ी रहती है और ये तो पूरा शूट इतने में ही हुआ था फिल्म जिगर का। देखिए एक ये फ्रेम थी। जो आखिरी का हमारा एंगल था वो ये था, देखिए जो रिक्शा आ रही है यहीं से निरुहा अंजना सिंह को पूरा घुमा के वापस यहीं से वापस आता है और जहाँ से उसको उठाया था वहीं उतार देता है। तो आखिरी फिल्म हमारी यही है। देखिए सामने गेट है वो भी दिखता है फ्रेम में जहाँ पर भव्य खड़ा है। थोड़ा आगे देखते हैं,
तो देखिए यहीं से निर्वाक रिक्शा आती है और फिर वो सामने दिखते हैं। तो बस वहाँ सामने तो पूरा सीन यहीं शूट किया गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पर समाप्त। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जगह एक नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और हाँ, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सके जल्द ही। धन्यवाद।